नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज। खारदार तारें और रुकावटें फैलांग कर असेंबली के गेट पर पहुंचे अरकान असेंबली की दरवाजा खोलने के लिए पुलिस से जोरा आवरी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक समेत लीगी अराकीन ने असेंबली के गेट पर धरना दिया। ख्वाजा इमरान नजीर और लीगी रहनुमाओं की बैरियर्स पर चढ़कर नारेबाजी। इमरान खान खुद को खिलाड़ी कहते हैं, अभी डेढ़ माह नहीं गुजरा। इमरान खान कहते थे आईएमएफ से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। डॉलर रिकॉर्ड महंगा हो गया, कौम पर 900 अरब रुपए का कर्जा रातों रात चढ़ गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का खिताब, कहते हैं न्याजी साहब ने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। ख्वाजा साद रफीक बोले, वजीर आजम खुलेआम जेलों में डालने की धमकियां देते हैं, तुम हमें पकड़ो हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। पंजाब असेंबली का गेट ना खुलने पर अपोजिशन का सड़क पर ही एहतजाजी इजलास। राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत इजलास में लीगी अराकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। राना इकबाल कहते हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं जो गेट नहीं खोला गया, कानून पर अमल करना जानते हैं, आइन के मुताबिक एहतजाज करना हमारा हक है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अफसोसनाक करार दे दी। कौमी असम्बली के खसूस इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। कौमी असम्बली का खसूस इजलास 17 अक्टूबर को तलब, शहबाज शरीफ शिरकत कर सकेंगे।